कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का एक बयान सामने आया है, ये तोहफा नहीं ठगी है। कमलनाथ ने साल 2019 में ही 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, बीजेपी सरकार ने बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी, केंद्र की तरह मिले 28% महंगाई भत्ता, ये नरेंद्र सलूजा की तरफ से कहा गया। कमलनाथ सरकार ने अपनी कैबिनेट में 15 मार्च 2020 को प्रदेश के कर्मचारियों के डीए को 5% तक बढ़ाया था, इसे जुलाई 2019 से लागू किया था और इसे 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलना तय किया था, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद 19 माह तक शिवराज सरकार ने इसे राजस्व की कमी बता के, कोरोना काल बता के स्थगित रखा, कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। लगातार कमलनाथ जी कांग्रेस और कर्मचारी वर्ग भी आंदोलन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि इसे बढ़ाकर 28% किया जाए, आज यदि किया भी है तो वो भी अधूरा निर्णय, तो ये तो तोहफा नहीं है, तो ठगी वाली बात है।